कम से कम उनका सम्मान करिए जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 4,75,703 है, कम से कम उनका सम्मान करिए जो उत्तराखंड में 2% लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा सरकार ने किया। कम से कम उनका सम्मान करिए जो लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वो बेरोजगार जिनकी तादाद 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों की है, उनका सम्मान करिए। प्लीज प्लीज कंटिन्यू नवीन जी। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, मैंने इसलिए याद दिला दिया। जब मैं वहां पर आ गया, जब मैं वहां जा रहा था, आपने खुद जिक्र किया, हम लोगों ने किया उस मुद्दे को, छुआ मुख्यमंत्री बदलने का। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री उदाहरण देता हूं, आपने कहा डिबेट में आइए। सर आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, मैं इससे सर आपने नौकरी दी पकड़ पकड़ के लोगों को। मैंने दिल्ली की, आप सुन लीजिए, मैं बेरोजगारी का जवाब देता हूँ। और थोड़ा इनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, कांग्रेस की हमारी राजनीति एकदम से बौखला जाती है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर भाजपा ने 3400 भी रोजगार दिए होंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। हमारी सरकार के प्रवक्ता, शासकीय प्रवक्ता कृषि मंत्री जी सुबोध उनियाल जी ने अगले दिन ही 4 गुना 17,000 नौकरियों की जो है जानकारी उपलब्ध कराई। हरीश रावत ने क्यों संन्यास नहीं लिया अब तक? वैसे मैं तो कह रहा हूँ संन्यास नहीं लेना चाहिए उनसे, मैं तो नहीं ये दुआ कर रहा हूँ संन्यास ने, नवीन ठाकुर क्योंकि वो रहेंगे तो बार बार बयान बदलते रहेंगे। देखिए विषय तो देवस्थानम बोर्ड भंग होने का था। आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हम जिम्मेदारी से पिछले 1 महीने से कंटिन्यू। मैं तो ये कह रहा हूं कि कमलेश रमन जी भी बैठी हुई है, मैंने आपके प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू किया, हमने हरीश रावत जी का इंटरव्यू किया, हमने चुनौती देकर, उन्होंने कहा ना मैं चुनौती देता हूं सरकार को कि वो आंकड़े जारी करे, मैं आप दोनों को चुनौती देता हूं और पिछले 1 महीने से हम चुनौती दे रहे हैं कि आप भी अपने आंकड़े जारी करिए और आप भी अपने आंकड़े जारी करिए विभाग के अनुसार, विभाग के अनुसार, और विभाग के साथ साथ नाम नंबर फोन नंबर, फोन हम यहां से मिलाएंगे, रैंडमली चेक करेंगे किसको नौकरी मिली किसको नहीं मिली। आप अपने शासनकाल के कार्य करिए और आप अपने शासनकाल के विभाग के साथ, नवीन ठाकुर जी चुनौती स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है, हमारे जब बोलिए, समय आपका, तारीख आपकी, जगह आपकी, आप बोलिए कब करना है सर, कल करें डिबेट, आंकड़े लेकर आते हैं सर, कल करें डिबेट, कल विभाग के अनुसार नाम के साथ नंबर के साथ फोन यहीं से मिलाएंगे सर, लाइव में, लाइव में मैं तैयार हूं। बोलिए मैं कमलेश रमन जी, तैयार हो आप? बिल्कुल लाइव में करेंगे सर चेक किसको किसको नौकरी मिली। आपने सबको नौकरी दिया तो उनके जिनके नंबर आप जारी कर दीजिए नाम के साथ विभाग के साथ, मैं लाइव फोन मिलवाऊंगा नवीन ठाकुर जी, पक्का प्रॉमिस, कसम से। तो अगर आप सुन रहे हो तो जवाब दूं, कमलेश रमन जी एक सेकंड प्लीज, नवीन ठाकुर जी, कमलेश जी बहुत परेशानी होती है आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, परेशान बहुत है आप, मुद्दा कुछ हाथ में रहा नहीं, हरीश रावत जी भी कह रहे हैं संन्यास ले लूं। नहीं हरीश रावत जी विषय नहीं है, हरीश रावत जी विषय नहीं है, नहीं जो बीच में ये बौखलाहट होती है ना इनकी, उसका थोड़ा जवाब देना जरूरी है। सर समय दे दीजिए मुझे, मैं उसी तारीख को आपको, आप बस इतना विश्वास, नवीन ठाकुर जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूँ आपकी काबिलियत मानता हूँ, कमलेश रमन जी लड़ना नहीं है, एक सेकंड लड़ना नहीं है, मैं लड़ता नहीं हूँ, हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, आवाज उत्तराखंड का भला आप भी चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं। नवीन ठाकुर जी बहुत काबिल प्रवक्ता मैं जानता हूं, एक काम करते हैं नवीन ठाकुर जी, आप मुझे वक्त दे दीजिए और मेरी इतनी गुजारिश है आपसे कि आप जिस दिन कहेंगे, जिस दिन तारीख कहेंगे, उस तारीख को समय भी आपका होगा, डिबेट हम उसी दिन करवाएंगे, उसी दिन करवाऊंगा, बस मेरी गुजारिश यह है कि उस डिबेट में आप शामिल होंगे, आंकड़े आप लेकर आएंगे। सर नाम के अनुसार, सर ऐसे आंकड़े, अब देखिए कमलेश रमन जी को आपने नौकरी दे दी, अब मुझे कैसे पता चलेगा किस विभाग में थी, मैं फोन करके पूछूंगा ना आपने किस विभाग में नौकरी कर रही हैं आप, तो मेरे को विभाग अनुसार आप नंबर उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि मेरी सर इतनी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच है, मैं इसलिए कह रहा हूं, गुजारिश है मेरी आपसे, हो जाए सर। सरकार के शासकीय प्रवक्ता ने सारे आंकड़े जारी किए, हरीश रावत की जुबान नहीं खुली उसके बाद एक बार भी। सर मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी से मांग रहा हूँ, मैं हरीश रावत जी से भी मांग रहा हूँ, कमलेश रमन जी हरीश रावत से भी मांगे मैंने, हरीश रावत भी जारी करें आंकड़े, उन्होंने कितनों को नौकरी दी, बनाए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार।
बेरोजगारी में चाह ही रहा हूँ। करिए लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। जिस मेरे को तारीख दे दीजिएगा, मैं तारीख आप तारीख दे दीजिए सर। चार दिन बात करें, चार दिन बात करें रोजगार पर, चार दिन बात करें रोजगार की बात करो, बता दिया। पांच दिन बात करें डिबेट। मेरे को हरीश रावत जी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे बेरोजगार है उन पर चर्चा। 22.6% और अब 6.8% अक्टूबर में कितनी होगी? 4.1% रोजगार किया। और दिसंबर में हो जाएगी सर 3.1%। मेरे को तो 2% वालों का भी हिसाब रखना है जिनको नौकरी मिली और बाकी के 4 लाख रह गए। 24,000 पदों पे भी नौकरी निकाल दी।